राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। हरीश चौधरी को पंजाब का कांग्रेस प्रभारी बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरीश चौधरी को पंजाब कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किया गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से पंजाब कांग्रेस के भीतर कलह की स्थितियां लगातार देखने को मिल रही थी और जिस तरीके से वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विवाद और मुख्यमंत्री बदले जाने के घटनाक्रम के बाद लगातार जो है माना जा रहा था कि कांग्रेस वहां पर दो खेमों में बटी है, दो से ज्यादा खेमे होने की भी बात कही जा रही थी। ऐसे में सामंजस्य बिठाने को लेकर अब हरीश चौधरी की अब भूमिका बेहद अहम होगी क्योंकि पंजाब का कांग्रेस प्रभारी उन्हें नियुक्त किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हरीश चौधरी किस तरीके से पंजाब कांग्रेस को एकजुट कर पाते हैं। मनोहर विश्नोई हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। मनोहर, हरीश चौधरी का नाम तय हो गया लेकिन उनके सामने चुनौतियां बड़ी होंगी क्योंकि ऐसे वक्त में यह जिम्मेदारी दी गई है जब माना जा रहा है पंजाब कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है। बिल्कुल अभिनव, जिस तरीके से कांग्रेस पंजाब कांग्रेस में जो एक आपस में खींचतान और जो लड़ाई चल रही है उसको देखते हुए हरीश चौधरी के लिए जिम्मेदारी बड़ी है और उनके लिए चुनौती भी बड़ी है क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान भी वो प्रभारी रहे और उन्होंने उनके नेतृत्व में जिस तरीके से काम हुआ और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में कामयाबी मिली उनको, उसी तरीके से उनके रिजल्ट के अनुसार उनके ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार ही अभी फिर एक बार उनको ये पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। कल ही हरीश चौधरी राहुल गांधी से मुलाकात करके जयपुर लौटे थे और आज ये उनके लिए ऑर्डर निकल चुका है और उनको प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया है और एक बार फिर उनके सामने अगले जो विधानसभा चुनाव है फरवरी में होने वाले उसमें उनके लिए बड़ी चुनौती रहेगी, उनकी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी और उन पर बड़ा कारणगार रहेगा कि उनको वापस अगर कांग्रेस सरकार रिपीट करवाए तो। अब फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये हरीश चौधरी के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कांग्रेस ने उनके उन पर विश्वास जताया और दोबारा उनको पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाया। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोहर। उधर बाड़मेर जिले की नाघाड़ा